न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। पुराने दिल्ली की हर बात ऐतिहासिक है, यहाँ के गली मोहल्ले की बात हो या हवेलियों की बात हो, सिर्फ देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। यहाँ के हर तीसरे मकान और चौथी दुकान से कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं। कहीं किसी स्वतंत्रता सेनानी ने पनाह ली होगी या कोई किसी लेखक या चित्रकार का ठिकाना रहा होगा। यहाँ के हर कुछ से इतिहास जुड़ी हुई है। अगर हवेलियों की बात की जाए तो यहाँ के हवेली, हर एक हवेली विशाल है। तो आज इंडिया की खोज में हम आपको उन्हीं हवेलियों में ले चलेंगे, उन्हीं हवेलियों से रूबरू करवाएंगे, उनके इतिहास से रूबरू करवाएंगे जो आज भी मौजूद हैं और हमें अपने इतिहास में वापस ले चलते हैं। शुरू करते हैं हमारा इंडिया की खोज। पुरानी दिल्ली में बल्ली मरान और चप्पल बाजार की गलियों में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार का एक बोर्ड मिलेगा जिसमें तीन भाषाओं में हवेली मिर्जा गालिब लिखी हुई है। लाल रंग के पत्थर पर लिखी ये शब्द पढ़ने के लिए अक्सर लाल किला और कुतुब मीनार जैसी जगहों पर लोगों की भारी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ शायद ही किसी को पता होगा कि ये शब्द इस हवेली के लिए लिखे गए हैं जो हवेली मिर्जा गालिब की है। मिर्जा असदुल्ला खां मिर्जा गालिब का असली नाम था और इसी हवेली में मिर्जा गालिब ने अपने ज़िंदगी के आखिरी समय गुजारे थे और यहीं से उन्होंने कई शेर व शायरी की। आज इस हवेली के क्या हाल हैं, किस हालात में है ये इस हवेली, अंदर चलते हैं और देखते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का नाम किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। किसी भी शख्स ने अगर शायरी का नाम सुना है तो मिर्जा गालिब का नाम जरूर सुना होगा, जिनको उनके चाहने वाले गालिब कहकर याद करते हैं। गालिब का असली नाम मिर्जा असदुल्लाह बे खान था। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के आखिरी महान शायर। गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ। अपनी शादी के बाद गालिब आगरा से दिल्ली चले आए। दिल्ली में अनेक ठिकानों पर बसर करने के बाद गालिब ने जिस हवेली को लंबे अरसे के लिए अपना आशियां बनाया, वो आज गालिब की हवेली के नाम से मशहूर है। इस हवेली में रहते हुए उन्होंने शेर और शायरी के अनगिनत नायाब नगीने शायरी की चादर में चढ़े। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गालिब ने इसी हवेली में बिताए। हाँ, बहुत सारे यहाँ के किस्से हैं कि एक बार यहाँ से उस्ताद दाग गुजर रहे थे तो मिर्जा गालिब ने तंज कर दिया था उन पर, तो उसकी शिकायत फिर उन्होंने बादशाह से की, क्योंकि उस्ताद दाग जो थे वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। तो और मिर्जा चूँकि शायरों की आपस में भी लगती है जिस तरह पॉलिटिकल लोगों की लगती है, बिजनेस मैन की आपस में लगती है, तो इस तरह शुअरा की भी आपस के अंदर खींचातानी होती है। जी हाँ, आखिरी टाइम जो है उन्होंने तकरीबन 5 या 6 साल अपने आखिरी दौर के उन्होंने यहीं पर ही इस हवेली में गुजारे हैं और यहीं उनका इंतकाल हुआ है। शायर गुलजार ने गालिब के इस घर का पता कुछ इस अंदाज में बयां किया है। बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाते हुए पान की पीकों में वो वाह वाह चंद दरवाजों पर लटके हुए पोशीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं। यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है
एक पुराने सुकून का सफा खुलता है। असदल्ला खान गालिब का पता मिलता है। नाजायज कब्जों को हटाकर हवेली का जितने हिस्से पर सरकार ने कब्जा किया उसे मुगल कालीन पुराने रंग ढंग में लाने के लिए साल 1999 में मरम्मत का काम शुरू हुआ। खास पहचान देने के लिए हवेली को संवारने में मुगल लखोरी ब्रिक्स, सैंडस्टोन और बड़े लकड़ी के दरवाजे का इस्तेमाल हुआ, जिससे 19वीं सदी की इमारत की झलक मिल सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस हवेली की अच्छे से देखभाल के लिए इस इमारत का ऐलान विरासत के तौर पर किया। लकड़ी के बड़े दरवाजे से अंदर घुसने के बाद सीधे हाथ की ओर बने कमरे में गालिब के संगमरमर के बुत को उनकी किताबों के साथ बड़े करीने से रखा गया है। कमरे की दीवारों पर गालिब और उनकी बेगम के कपड़ों को शीशे के फ्रेम से लगा कर रखा गया है। साथ ही कुछ लफ्जों में उनका जिंदगी नाम लिखा हुआ है। इस कमरे से बाहर आकर छोटे गलियारे से होते हुए हवेली के बरामदे में जाने पर दीवार पर देखने वालों को अपने ओर खींचने वाली गालिब की आदमकद पेंटिंग है, जिसमें गालिब हाथ में हुक्के की नाली पकड़े हुए फुर्सत के लम्हों में आराम फरमा रहे हैं। इतना ही नहीं, गालिब की जिंदगी से जुड़े और भी बहुत सी चीजों को संजो कर यहाँ रखा गया है, जिसमें गालिब के हाथों से लिखी कुछ गजल और चुनिंदा शायरी को भी शुमार किया गया है। कुछ पुरानी फोटोज और उस समय इस्तेमाल होने वाले बर्तन को भी यहाँ रखा गया है। उस समय में खेले जाने वाले चौसर, शतरंज वगैरह भी गालिब की हवेली में सहेज कर रखे गए हैं। पुरानी दिल्ली में सालों से रह रहे लोगों के मुताबिक 1869 में गालिब के इंतकाल के बाद हवेली के मालिक हाकिम शरीफ, जिन्होंने गालिब को ये हवेली रहने के लिए दी थी, गालिब की मौत से उदास और मायूस होकर रोज शाम यहाँ आकर घंटों बिताया करते थे। उनका रोज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि कोई गालिब की यादों से जुड़े इस नायाब दरो दीवार पर कब्जा न कर ले। उसके बाद इस हवेली ने बहुत से नाजायज कब्जों से अपने असल वजूद को खो दिया और असल मालिकाना हक किसी के पास न होने से इसके हालात बद से बदतर होते चले गए। और अपने जमाने के मशहूर शायर का ये पता गुमनामी के दलदल में धंसता चला गया। इस हवेली की बात करें तो मिर्जा गालिब की मौत के बाद 1869 से लेकर के 1999 तक यहाँ कई दुकानें खुल गई, हीटर फैक्ट्री खुल गया। लेकिन 1999 में सरकार ने इस हवेली को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लोगों तक इसकी जानकारी मिल पहुँचने में नाकाम रही। और आज इस हवेली की अगर हम बात करें तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, जो मिर्ज़ा गालिब अपने ज़िंदगी में यूज़ करते थे, उनके पोशाक भी मौजूद हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत गिने चुने लोग ही आते हैं। और इस हवेली की गुमनामी पे गालिब का एक शेर सटीक बैठता है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए या हम बतलाएँ क्या। मैं अब पहुंची हूँ पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में, और यही वो जगह है जहाँ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बेगम जीनत के लिए एक हवेली बनवाई थी, और यही वो उनसे मिलने आया करते थे। 1964 में इस हवेली को, जीनत महल को एक विद्यालय, बालिका विद्यालय बना दिया गया उसका, और लेकिन आज भी वहाँ वो दो सुरंगें मौजूद हैं जो लाल किला और अजमेरी गेट के बीच, मदरसे के बीच बनाई गई थी। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है इस जीनत महल का और क्या वो दो सुरंगें आज भी मौजूद हैं या नहीं। भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनवाई। उन्हीं में से एक हवेली है जीनत महल की हवेली, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं।
लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी, लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों को इस हवेली के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपनी बेगम जीनत के लिए यह महल बनवाया था। बहुत कम लोगों को जीनत की देशभक्ति के बारे में पता होगा। जीनत महल ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमेशा बादशाह को हिम्मत दी और अंत तक अंग्रेजों से लड़ती भी रही। सुरंग उसके बारे में रानी रहंदिया सी, अपना पोरखा पुरखा पाके में मर रहंदिया सी, जांदिया सी आगरे, आगरे से इधर आई हूँ, उधर से इधर, नीचे नहीं, ऊपर उनका कोई तलकात ही नहीं, आती जाती सी। बहादुर शाह जफर ने बेगम के लिए ये महल बनवाया और महल में खास इंतजाम भी किए। महल के एंट्रेंस पर विशाल दरवाजा है जिसमें बड़े बड़े कील लगे हैं। मुगल कालीन कला का नमूना यहाँ आज भी साफ देखने को मिलता है। यहाँ के छतों पर आज तक मजबूती से मौजूद सीधे ईंटों को देखने दूर दूर से आर्किटेक्चर आते हैं। किसी जमाने में महल में दो सुरंगें मौजूद थीं, जिनसे होकर बेगम लाल किला और अजमेरी गेट जाती थी। सालों पहले इस महल को तोड़कर उसमें जीनत महल बालिका विद्यालय खोल दिया गया और इसी के साथ वो इतिहास खत्म हो गया। इस विशाल महल में आज कई लोगों का अपना आशियाना है। अच्छा, आपको कुछ याद है वो महल जब आप यहाँ आई होंगी पार्टीशन के बाद, तो फिर वो महल कैसा दिखता था उस समय? नहीं, महल था ही नहीं, टूट चुका था, सब कुछ खत्म कर देता थी। हमारे सामने जब भी ये खंडन खंडन था, जब हम भी आए जब भी खंडन था, कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई जिस हमारे सामने स्कूल बनी, सब कुछ बना, सारी चीज बनी साढ़े सामने, कोई ऐसी महल वाली नहीं थी। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ, यहीं पे किसी ज़माने में दो सुरंगें हुआ करती थी जो जीनत महल के अंदर बनाई गई थी। आज वो सुरंगें मौजूद नहीं हैं, उसके ऊपर घर बना दिए गए, दुकानें बना दी गई, विद्यालय बना दिया गया, तो सुरंग तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन यही दो सुरंगें बनाई गई थी किसी ज़माने में जो लाल किला और अजमेरी गेट के बीच गाज़ीउद्दीन मदरसे के बीच बनाई गई थी। और जैसा कि यहाँ के रहने वाले जो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, उसी सुरंग से यहाँ की बेगम, यहाँ की जो रानी थी, वो उसी सुरंग के माध्यम से आगे जाती थी, लाल किला तक जाती थी, अजमेरी गेट तक जाती थी। वो सुरंग नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जीनत महल का वो जगह मौजूद है, वो इतिहास आज भी मौजूद है यहाँ पे। आगे चलेंगे किसी और पुरानी दिल्ली के किसी और हवेली में और जानेंगे वहाँ का इतिहास। मैं अब पहुंची हूँ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के राय छुन्ना मल की हवेली में। मैं आपको बता दूं कि इस हवेली को 1850 में बनाया गया था और इस हवेली को राय छुन्ना मल जी ने बनवाई थी। उस समय राय छुन्ना मल जी दिल्ली के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही दिल्ली में पहली मोटर गाड़ी और पहला टेलीफोन लाइन लिया था। तो आप सोच सकते हैं उस समय की बात है 1850 की, उस समय ये विशाल हवेली बनवाई गई थी, उन्होंने बनवाई थी, और बनाने में कितना समय लगा होगा क्योंकि ये विशाल है और एक एकड़ में इस हवेली को बनवाया गया है। छुन्नामल जी के छठी पीढ़ी अनिल प्रसाद जी हमारे साथ हैं, सर से बात करूंगी और जानूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस हवेली में आप राय छुन्नामल जी की छठी पीढ़ी हैं, इस हवेली के बारे में बताइए। बहुत विशाल हवेली है, पुरानी पुरानी सीढ़ियाँ हैं, जीने हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये यहाँ पे जो है एक टाइम था जब जहाँ पे 50 से 60 लोग रहते थे और उतने ही सर्वेंट्स थे उनको देखने के लिए, और जहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती थी। बाकी फैमिली मेम्बर्स जहाँ से अब चले गए हैं अपने अपने जगह पे, जो कोई साउथ दिल्ली में जाके सेटल हो गया है और कोई जो है बाहर चले गए हैं, और उस तरीके से ये इस जो ये आप देखते हैं बहुत सारे रूम जो है यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, वो उसी तरीके से जो है बंद हैं और यूज़ में नहीं हैं और उसी तरीके से डिटोरेट भी कर रहे हैं। अभी यहाँ आप लोग कितने लोग रह रहे हैं परिवार? मेरे ओनली इमीडिएट फैमिली में मेरे 10 सदस्य हैं जो। हाँ,
अच्छा, और आगे चलते हैं हम, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पुरानी हवेली है और हर जगह पुराने दरवाजे और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको ले चल रही हूँ बालकनी में, जहाँ पे आप यहाँ से पूरी चांदनी चौक को देख सकते हैं, इसके बिजी रोड्स को देख सकते हैं। अनिल जी, आप बताइए, यहाँ पे ये बहुत बहुत लंबी बालकनी है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बालकनी जो है, ये फ्रंट ऑफ द हाउस है, वो जो हम लोग जो है जिसको छज्जा कहते हैं, और यहाँ से पूरा चांदनी चौक नज़र आता है। एक ज़माना था जो 26 जनवरी की परेड भी है, वो भी यहाँ से गुजरती थी। एक एकड़ में ये हवेली बनाई गई है, जिसका 20% हिस्सा अभी अनिल जी के पास है, जिसको इन्होंने बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया है। और मैं इस वक्त जिस कमरे में एंटर कर रही हूँ, वो मैं बता दूँ कि ये बहुत ही विशाल है, जिसमें बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं और सारी पुरानी एंटीक फर्नीचर्स हैं। सर, बहुत लग रहा है कि उस भव्यता, उस इतिहास में हम पहुँच गए हैं, 1850 वाले। तो इस कमरे के बारे में कुछ बताइए। ये कमरा जनरल बैठक होती थी रायचुन्नामल जी की, और उनका जो है ये आसन भी उनका लगा हुआ है, इसके वो बैठते थे। अच्छा, दर्शकों को दिखा दूं मैं खासकर कि ये आप जो आसन देख रहे हैं, ये रायचुन्नामल जी का आसन है, इस पे ही वो बैठते थे, और इसे बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके फ्रेम में लगा करके यहाँ लगाया गया है। अच्छा, और यहाँ के जितने भी फर्नीचर्स हैं सब एंटीक हैं, तो क्या इनको रिनोवेट करवाया गया है, इनकी मरम्मत करवाई गई है, या रिप्लिका बनाया गया है? कोई रेप्लिकेट करे हुए हैं, कोई जो है उसी टाइम के हैं, और उसी तरीके से फर्नीचर को जो है, जैसे आप समझते हैं कि इतने साल तो जो है रह नहीं सकती वुडन चीज़ें, तो उनको हम रिपेयर करते रहते हैं और उनको मेंटेन करते रहते हैं। अच्छा सर, अगर हम आगे चलें तो इस हवेली में टोटल कितने कमरे हैं? यहाँ पे 128 कमरे हैं, 128 कमरे, जिसमें से जो है 10-15 कमरे मैं यूज़ करता हूँ, बाकी जो है फैमिली मेंबर्स ने लॉकअप कर दिए हैं, वो अभी तक डेटोरेट करते रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अनिल जी थे, जो कि रायचुन्नामल जी की 6ठी पीढ़ी हैं, और आज भी इस हवेली में रह रहे हैं चांदनी चौक की, और इनको मेंटेन किया हुआ है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इनके कमिंग जनरेशन इसको मेंटेन करेंगे। तो मैं बता दूं कि चांदनी चौक में ऐसे पुरानी दिल्ली में ऐसे कई हवेलीज़ हैं जो खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन इस हवेली को देख कर उस भव्यता का एहसास होता है, उस इतिहास का एहसास होता है, और ऐसा एहसास होता है कि हम उस भव्यता में, उस इतिहास में आज भी जी रहे हैं। पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार की एक गली हक्सर की हवेली की तरफ जाती है। इसी हवेली में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला कौल से हुई थी। यहाँ सालों से रह रहे बाशिंदे बताते हैं कि कैसे पंडित नेहरू की शादी वाले दिन ये गली जगमगाती रोशनी में नहाई थी। जब हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू का विवाह हुआ था, वो आज़ादी के 15 अगस्त से पूर्व हुआ था, और उनके बारात यहाँ आई थी। इसको हक्सर हवेली कहते हैं, और इस हक्सर हवेली के अंदर जो उनका जो फेरे वगैरह हुए थे, जैसे बारात आके यहाँ बाहर ठहरी थी, तो एक बहुत अच्छी रौनक हुआ करती थी। ये मैंने भी नहीं देखी, मेरे हमारे पूर्वजों ने देखी है, क्योंकि मैं तो खुद आज़ादी के बाद की पैदाइश हूँ। तो जो बातें हमने सुनी अपने पूर्वजों से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी रौनक हुआ करती है, यहाँ एक इज्जत की जगह मानी जाती है, क्योंकि इसका नाम सीताराम बाजार है। अब मैं पहुंची हूँ पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड गली है, और इस वक्त जो ये गेट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये घर है कमला कौल जी का। कमला कौल हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी, और यही वो घर है जहाँ कमला कौल जी रहती थी, और यहीं पे नेहरू जी 8 फरवरी 1916 को बारात लेकर आए थे। मैं बता दूं आपको कि 1850 से 1900 के बीच में कई कश्मीरी पंडित दिल्ली के इस इलाके में आके बस गए, उनमें से एक कमला कौल का परिवार था, और इसी घर से उनकी शादी हुई थी। यहीं वो शादी के पहले रहती थी, और यहीं पंडित नेहरू आया करते थे, और यहीं पर वो बारात लेकर भी आए थे। ये तो कमला कौल जी का घर है। अब आपको वो भी जगह ले चलेंगे जहाँ पे बारात रुकी थी, जहाँ पंडित नेहरू की बारात रुकी थी, वो आगे है, वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं उसका क्या हाल है। 8 फरवरी 1916 को जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी कमला कौल जी के साथ,
तो वो अपनी बारात लेकर इसी जगह पे आए थे। ये सीताराम बाजार है पुरानी दिल्ली का, और आप मेरे पीछे जो ये दरवाजा देख रहे हैं, यही वो जगह है, यही वो दरवाजा है उस घर का जहाँ पंडित नेहरू अपनी बारात लेकर रुके थे। यहीं पर उन्होंने नाश्ता किया था और यहीं से वो बारात लेकर कमला कॉलेज के घर गए थे, जहाँ मैंने आपको पहले दिखाया, और वहाँ से उनकी शादी हुई थी। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये एक कंजस्टेड गली है, हर तरफ दुकानें हैं, और काफ़ी मशक्कत के बाद कोई यहाँ आ सकता है। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि यही वो जगह है जहाँ पे पंडित नेहरू की बारात रुकी थी, और यहीं से वो शादी के लिए कमला कॉल जी के घर गए थे, कमला नेहरू जी के घर गए थे। अगल बगल आप देख सकते हैं, अगर गली की बात करें तो ये अब एक खंडहर बना हुआ है जगह, और इसके अगल बगल सारी दुकानें खुल गई हैं। और इसके सामने भी अगर हम घर की बात करें तो सामने में जो मकान है वो भी अब खंडहर बन चुका है, जहाँ कोई नहीं रहता, कुछ एकाध कबूतर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक हमारा खूबसूरत इतिहास था, जो इस गली का नाम है सीताराम बाजार, वही एक खूबसूरत जगह है, नाम खूबसूरत है, और यहीं पे पंडित नेहरू जी की शादी हुई थी कमला कौल जी से, कमला नेहरू जी से। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह था, लेकिन ये ऐतिहासिक जगह, ये खूबसूरत जगह आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। पुरानी दिल्ली के शानो शौकत को बयां करने वाली हवेली आज जर्जर हो चुकी है, लेकिन इन हवेलियों के दरवाजे, दीवारें और झरोखों में कुछ न कुछ बात तो है जो उत्सुकता पैदा करती हैं। तभी तो राह चलते लोग भी इन हवेलियों के सामने खड़े होकर थोड़ी देर के लिए उसकी भव्यता में खो जाते हैं। और आज इस शो में हमने आपको उन्हीं हवेलियों के इतिहास से रूबरू करवाया, और जाहिर है उस इतिहास को देखकर, उस इतिहास को सुनकर आप भी एक बार के लिए फ्लैशबैक में चले गए होंगे और उनके ऐतिहासिक भव्यता में डूब गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मनीष के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7 के लिए।